हाँ कौन? अरे इधर इधर इधर। अरे भाई बड़े अजीब आदमी हो, खुले दरवाजे में तुम बैल बजा रहे हो। हाँ ठीक है भाई साहब, एक काम करो अपने मालिक को बुला लो। मालिक को? अरे मैं ही तो मालिक हूँ। अरे आप मालिक है? अरे गलती होगी भाई साहब, पहचान नहीं पाया। नमस्ते भाई साहब। अब काहे की नमस्ते, नौकर समझ रहे हो? क्या काम है? मैं चंदा लेने आया हूँ। चंदा लेने आया हूँ? अच्छा रुको, चंदा तुम्हें कोई लेने आया है? पति हो उसके? किसके? जिसको लेने आए हो। अरे मैं तो चंदा लेने आया हूँ। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, चंदा के पति हो? अरे भाई। भाई हो? अरे किसका भाई, कौन सा भाई? चंदा का। अरे कौन है ये चंदा? अरे भूल गए, जिसको लेने आए हो। अरे भाई साहब देखो मेरी पूरी बात सुनो, मैं चंदा को लेने नहीं आया हूँ, मैं चंदा मांगने आया हूँ। अरे लेने आए हो देने आए हो एक ही बात है, वो तो हमारे घर की नौकरानी है, अगर उसको मांगना है तो उसके घर जाओ ना, उसके बाप से उसका हाथ मांग लो। अरे यार मैं किसी का हाथ क्यों मांगूंगा यार। भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, जो चंदा हाथ में रखते है ना, मैं वो चंदा लेने आया हूँ यार। अच्छा लेकिन चंदा इतनी छोटी थोड़ी है जो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, क्या उसके मामा हो तुम? किसका? चंदा के। चंदा मामा दूर के, कुएं पकाए गुड़ के। अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं उस चंदा की बात नहीं कर रहा, मैं इस चंदा की बात नहीं कर रहा, मैं इस चंदा की बात कर रहा हूँ। लेकिन दो तो तुम पहले से बोल चुके हो। हाँ ठीक है, मैंने दो चंदा बोल रखा है ना, वो जो तीसरा चंदा होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप पूरी बात नहीं सुनते हो यार। भाई इसके अलावा हम किसी चंदा को नहीं जानते, एक हमारे घर में रहती है और एक उस चंदा को, तुम कहीं और जाके देखो। अरे भाई साहब मैं जिस चंदा की बात कर रहा हूँ उसे कोई नहीं जानता। अरे जिसे कोई नहीं जानता उसे यहाँ आके क्यों ढूंढ रहे हो? अरे भाई साहब उसे जानता कोई नहीं, लेकिन पता सबको है उसके बारे में। अरे और सबको पता है तो और सबसे जाके पूछो ना, यहाँ आके क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? ना मैं उस चंदा को जानता हूँ और ना मुझे पता है। भाई साहब आप मुझे पागल बना रहे हो ना, पागल बना रहे हो ना आप मुझे, आपको पता है उस चंदा के बारे में? भाई दिमाग हिला हुआ है तेरा क्या? मैं इस चंदा को जानता हूँ, एक उस चंदा को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी चंदा को नहीं जानता। ठीक है भाई साहब, आप नहीं जानते उस चंदा के बारे में तो मैं बताता हूँ ना आपको यार। मुझे सुनना ही नहीं है, तुझे जिस चंदा की तलाश है वो यहाँ है ही बस। अरे यार भैया मुझे किसी चंदा की तलाश नहीं है यार, मैं चंदा लेने आया हूँ। अरे यार फिर वही डाक की तीन पात, तुझे चंदा की तलाश भी नहीं है और उसे लेने भी आया। अरे यार एक तो आप मुझे पूरा बोलने ही नहीं दे रहे ना यार। क्यों बोलने दूं, मेरा घर है मेरा आंगन है, तू क्यों बोलेगा? अरे यार जब आपको खुद ही बोलना था खुद ही सुनना था तो इतने देर से मुंह क्यों मार रहे थे आप मेरे साथ? क्योंकि तूने बैल बजाया था और खुले दरवाजे में कौन बैल बजाता है, भांग खा के आया है क्या, बिल नहीं उठता? अरे क्या ये बिजली का बिल कर रहे हो भाई, बिजली का बिल कितना आ जाएगा तुम्हारा? जितना भी आएगा भरना तो मुझे ही है, तू थोड़ी आके भरेगा। तो चंदा मांग मांग के बिजली का बिल भरते हो क्या तुम? हाँ ऐसे ही चंदा मांग मांग के बिजली का बिल भरते हैं, तुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ पता है ना चंदा के बारे में, जान बुझ के मैंने ये बात बोली थी तुम्हें, तुम्हें पता है ना चंदा के बारे में। तुम्हारा शकल देख के ही लग गया था कि यही पर्ची काट करके तुमने बिजली का बिल भरा होगा। मतलब तू बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांग रहा है? अरे यार मैं ये बिजली का बिल भरने के लिए चंदा मांगने नहीं आया हूँ यार, यहाँ ये सोसाइटी में प्रोग्राम करा रहे हैं, मैं उसका चंदा काटने आया हूँ। अच्छा जो सोसाइटी में प्रोग्राम है उसका बिजली का बिल भरने के लिए तू चंदा मांग रहा है? अरे नहीं मेरे भाई यार, वहाँ बिजली के लिए जनरेटर लगा रखा है हमने। अरे यार जब वहाँ जनरेटर लग रहा है तो किसका बिजली का बिल भरने के लिए तू चंदा मांग रहा है? अरे यार वहाँ जो लोग आएंगे वो खाना भी तो खाएंगे, उस खाना को खाने के लिए बनाना तो पड़ेगा ना, उसी के लिए चंदा काट रहे हैं। वाह उनके खाने पीने के लिए चंदा मांग रहा है और पैसे मैं दूं? अरे यार गरीब आदमी खाना खाएगा तो तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी भाई। पैसे मैं दूं, खाना वो खाए और दुआएं तुझे मिले। अरे मुझे क्यों दुआ लगेगी भाई, अकेले भाई तुम पैसे दोगे तो तुम्हें भी तो लगेगी ना। नहीं उन्हें कैसे पता लगेगा कि ये खाने का पैसा मैंने दिया? अरे मेरे भाई साहब यहाँ पर्ची पे आपका नाम लिखेंगे यार, पर्ची पे नाम। मेरे नाम की पर्ची काटेगा तो उनको तो पता चल ही जाएगा कि ये खाना है जो मेरे पैसे का है। इस एरिया में ना 5 लोग रहते हैं मेरे नाम के, उनको कैसे पता लगेगा कि मैं ही हूँ? अरे भाई आपके नाम के नीचे आपका एड्रेस होगा, एड्रेस। ओहो वो पत्तल में खाना लेके यहाँ आएंगे और मुझे थैंक यू बोलेंगे और कहेंगे कि आपने मुझे खाना खिलाया। अरे वो क्यों आएंगे यहाँ? तू क्यों आया है? चंदा लेने। चंदा लेने? अच्छा अच्छा ठीक है देता हूँ चंदा। मोबाइल है? हाँ है। हाँ मोबाइल में कैमरा है? हाँ। एक मिनट निकाल। अरे यार बड़ा महंगा मोबाइल है, चंदे से लिया है क्या? अरे यार भाई साहब यार आप। चल कोई बात नहीं, एक काम कर मेरा फोटो खींच। फोटो क्यों? मेरा फोटो खींच और भाग के जा प्रिंट आउट निकाल के ला, तब तक मैं चंदा लेके आता हूँ। प्रिंट आउट क्यों? ये जो फोटो है ना ये रसीद पे चिपका देना, इससे लोगों को पता चल जाएगा कि चंदा मैंने दिया। अरे यार तुम मूर्ख उर्ख आदमी हो क्या, शक्ल देख के लग नहीं रहा 11 रुपए ज्यादा तुम चंदा दोगे, और ऐसे प्रिंट आउट निकलवा के सबका लगवाने लगा तो मांग लिया भाई मैंने चंदा, 35-20 रुपए तुम्हारे प्रिंट आउट पे लग जाएगा, 11 रुपए का चंदा, चलो रखो नीचे ही चंदा। अच्छा ले। अरे सुन तो ले। हाँ दे दे। भंडारे में आलू पूरी बनेगी ना? क्यों? खाने आऊंगा। अरे चंदा नहीं, चंदा राम का अखाड़ा हो गया राजा, चंदा नहीं देने के कितने बहाने हैं, राइट? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। यहाँ मालिक टाइम से तनख्वाह दे नहीं रहा,
थोड़ी से चंदा देंगे। अरे छोटू। हाँ मालिक। क्या हो गया? कुछ नहीं मालिक, गाड़ी की टायर के नीचे कुत्ते की टांग आ गई थी।